आज इस वीडियो के जरिए मैं बात करूंगा सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली बतख के बारे में, यानी कौन कौन सी बतख की नस्लें सबसे ज़्यादा अंडे देती है, और साथ में आपको टिप्स भी दूंगा कि अंडे का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, और जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बतख के अंडे के बारे में दो चार फैक्ट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, बतख जो है मुर्गी की तुलना की जाए तो एक साल में कम से कम मुर्गी से 40 से 50 अंडे ज़्यादा देती है। दूसरी बात यह है कि बतख के अंडे जो है वो मुर्गी से काफ़ी बड़ा होता है, कम से कम औसतन 15 से 20 ग्राम बड़ा होता है, और सुबह 9 बजे से पहले देता है, और साथ ही बतख जो है बहुत लंबे समय तक अंडे देते हैं मुर्गी की तुलना में। तो दोस्तों, चलिए अभी देखते हैं कि हमारे फार्मिंग की एक फार्मिंग के लिए बतख का कौन कौन सा नस्ल सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली बतख का नाम है खाकी कैम्बेल। तो दोस्तों, ये खाकी कैम्बेल जो है ये औसतन 300 से 320 अंडे देती है। दोस्तों, अगर अच्छी तरह से खाकी कैम्बेल की देखभाल की जाए तो ये 4 से 4.5 महीने के भीतर ही अंडे देना शुरू कर देती है। तो आप भी अगर अंडे के लिए बतख का पालन करना चाहते हो तो खाकी कैम्बेल का ही फार्म करो। दोस्तों, खाकी कैम्बेल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा अंडे देने वाला जो बतख का नस्ल है वो है इंडियन रनर। ये पूरा साल भर में 260 से लेकर 280 अंडे देते हैं, और अगर हम इसका मैच्योरिटी की बात करें तो अगर अच्छे से देखभाल करें ना तो 4 से 4.5 महीने में ही ये अंडे देना स्टार्ट कर देता है। हालांकि दोस्तों, खाकी की तुलना में ये जो इंडियन रनर होता है इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन अगर हम फार्मिंग की बात करें तो आपको ज़्यादातर बतख का फार्म जो है वो इंडियन रनर का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कम समय पर ही बड़ा हो जाता है, साथ ही इसका मीट का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, मेरे लिस्ट पे जो तीसरा सबसे ज़्यादा अंडे देने वाला बतख है वो है व्हाइट पेकिन। तो व्हाइट पेकिन का नाम आते ही बहुत सारे लोग इस दुविधा में होंगे कि व्हाइट पेकिन तो मीट के लिए फेमस है तो ये अंडे के लिस्ट में कहाँ से आ गए। तो दोस्तों, व्हाइट पेकिन का जो अंडा है वो बहुत बड़ा होता है, और उसी वजह से इसका जो है अंडे के लिए भी पालन किया जाता है। खास करके असम में बहुत सारे फार्म है जहाँ पर व्हाइट पेकिन मीट और अंडे दोनों के लिए ही पालन किया जाता है। जैसे कि मैं आपको नाम भी बता दूँ, माँ एग्रो पोल्ट्री फार्म है, भूया एग्रो पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर आपको व्हाइट पेकिन जो है वो अंडे के लिए पालन किया जाता है मीट के साथ साथ। तो अगर आपको बहुत बड़ा बतख का अंडा चाहिए तो आप ये आराम से व्हाइट पेकिन का भी पालन कर सकते हैं मीट के साथ साथ अंडे के लिए भी। दोस्तों, व्हाइट पेकिन भी साल भर में 200 के करीब अंडे देते हैं, और मैंने पहले ही कहा है इसका अंडा जो है वो बहुत बड़ा होता है, जिसके लिए लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ ज़्यादा अंडों के उत्पाद के लिए। तो पहला है, बतख को जो है वो सही मात्रा में न्यूट्रिशनल फूड दीजिए। दूसरा जो है कि बतख को बिल्कुल साफ और सुथरा जगह पर रखिए, और तीसरा जो है कि बतख को थोड़ा घूमने के लिए रिक्रिएशन के लिए थोड़ा जगह की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा जगह चाहिए। तो चौथा टिप्स ये है कि बतख को कैल्शियम वाला चारा खिलाए, क्योंकि कैल्शियम से ही अंडे बनता है। और पांचवा है कि बतख को हमेशा फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर ही दीजिए, गंदा पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। छठवा है कि बतख का जो बीमारी है वो उसको हम पर काबू पाना होगा, यानी समय समय पर टीका लगवाए, जो मेडिसिन देना पड़ता है वो देना होगा।
और सातवां मेरे लिस्ट में और एक चीज़ है कि बतख का सही मात्रा में मेटिक भी होना चाहिए ज़्यादा अंडे के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के जहन में भी कुछ सुझाव है ज़्यादा अंडे उत्पाद के लिए, तो ये ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं भी वो अप्लाई कर सकूँ और दूसरा भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। जय हिंद।